कानपुर में फजलगंज के होटल लीजेंड में लगी आग। होटल के चौथी मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी। आगरा में डला बड़ा हादसा। थाना शमशाबाद की दीवार तोड़ते हुए अनियंत्रित होकर घुसा कैंटर। थाना परिसर में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त। बस्ती में ट्रक की बाइक से टक्कर में दो बच्चों की मौत। महादेवा पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर हुआ हादसा। घर से पेट्रोल भरवाने जा रहे थे बाइक सवार। आजमगढ़ में मकान का छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत। 5 घायल। निर्माणाधीन मकान में खेल रहे थे बच्चे। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। कोहरे के चलते टकराए 6 वाहन क्षतिग्रस्त। हरदोई में कुएं में गिरा आवारा गोवंश। पुलिस के जवानों ने दमकल टीम के साथ 5 घंटे तक रेस्क्यू किया। लोनार कोतवाली क्षेत्र की है पूरी घटना। शामली में एक युवक का गोली लगा। शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के दोस्तों पर ही बताया जा रहा था हत्या का शक। बुलंदशहर में हाई वोल्टेज लाइन को चोरी करने वाले गिरोह के 15 सदस्य गिरफ्तार। SSP श्रोक कुमार ने चोरों के गिरोह को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा की। कन्नौज के किसान की हत्या से मचा हड़कंप। अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर किसान की निर्मम हत्या की। कासगंज में किशोरी का शव मिलने से फैली सनसनी। सुबह घर से शौच के लिए निकली किशोरी का खेत में पड़ा हुआ मिला शव। सोनभद्र में NGT के आदेश को बालू कारोबारी दिखा रहे ठेंगा। नदी का धारा मोड़कर बालू खनन का आरोप। आगरा में बदमाश ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की कोशिश की। गहना लेकर भागने की कोशिश करता बदमाश CCTV में गए। गाजीपुर में पढ़ाई के लिए डांटने पर नाबालिग बेटे में मां को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। अल्मोड़ा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 2.5 किलो से ज्यादा चरस बरामद। मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों तस्करों के कब्जे से 1 क्विंटल गांजा भी बरामद। आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। बदमाश दीपक यादव के पैर में लगी गोली। बदमाश पर हत्या लूट डकैती सहित करीब 2 दर्जन मुकदमे हैं दर्ज। अपराधी के पास से पिस्टल कारतूस बाइक और कुछ कैश बरामद। मथुरा पुलिस की 2 अलग अलग इलाकों में बदमाशों से हुई मुठभेड़। 50,000 के इनामी सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए बदमाशों से हथियार और चोरी की बाइक बरामद। एनकाउंटर के दौरान घायल 2 बदमाशों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। पुलिस हिरासत से भागने के मामले में मिर्ची गैंग के सरगना आशु को 3 साल की सजा। मुंबई में फल बेचते हुए हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फतेहपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद। आगरा में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। जोशीमठ में पालतू पशुओं पर भी आपदा की मार। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा आपदा में प्रभावित जानवरों को कराया गया है सर्वे। जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण व्यापारियों के परिवारों पर भी रोजी रोटी का संकट। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें आपदा प्रभावित माना जाए। कोटद्वार के कई गांवों से पलायन को मजबूर ग्रामीण। मूलभूत सुविधा न होने से ग्रामीण उठा रखे हैं पलायन का कदम। भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन में सीएम धामी। जीरो टॉलरेंस की नीति को और सख्त करने के आदेश। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने सभी विभागों को लिखा पत्र। भ्रष्टाचार पर कर्मचारियों और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो नपेंगे बड़े से बड़े अधिकारी। पिथौरागढ़ में 1 District 2 प्रोडक्ट से जुड़े लोगों का विकास विभाग देगा मदद। पिथौरागढ़ को राजमा और वूलन कॉर्पोरेट के लिए किया जा गया है चयनित। रानीखेत में अवैध खनन करने वालों पर प्रशासन का शिकंजा। दरसो के डीडा गांव में अवैध खनन करते हुए JCB मशीन को किया गया सीज। 600 घन मीटर जमीन पर हो रहा था अवैध खनन। आदि बद्री धाम में 7 दिन के शीतकालीन पर्यटन और विकास मेले का हुआ समापन। कपाट खोलने के दौरान शुरू हुए महाशिवपुराण के समापन दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। देहरादून में नाबार्ड के आवंटित बजट खर्च करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा धनराशि को समय से खर्च किया जाए ताकि नाबार्ड के अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही परियोजनाओं की मंजूरी ली जा सके।
पिथौरागढ़ में जिला यूथ कांग्रेस ने पहलवानों के समर्थन में किया प्रदर्शन, सरकार का पुतला दहन कर की नारेबाजी। पौड़ी में अवैध अतिक्रमण बन रहा ट्रैफिक जाम की समस्या का कारण, अवैध अतिक्रमण से सड़कों की चौड़ाई हो रही कम, विधायक राजकुमार पौड़ी ने अतिक्रमण पर जाहिर की नाराजगी। बाडाहाट के कुलोथोलू उत्तरकाशी में सांस्कृतिक शाम लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के नाम रही, नेगी के गीतों को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में उमड़ी थी। चित्रकूट में घर में हिरण पालने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, गर्दन में घंटी और डोरी बांधकर बाहर टहलता दिखा हिरण। कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव विजय ने इटावा में लिया कांग्रेस की हाथों से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी का जायजा, 26 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा। अमेठी में मौसम ने ली अचानक करवट, झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर छाई रौनक, गेहूं और सरसों की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश। बस्ती में पुलिस के धमकाने पर हार्ट अटैक से शख्स की मौत का आरोप, ग्रामीणों ने कटरा से छपकिया मार्ग किया जाम। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बाराबंकी करेगा यूपी का प्रतिनिधित्व, बाराबंकी की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम सिंह को कार्यक्रम में शामिल होने का मिला है न्योता। उधर वाराणसी में 1.25 लाख रुद्राक्ष की मालाओं से किया गया श्रीकाल भैरव बाबा का श्रृंगार, बाबा का श्रृंगार बना भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र। मेरठ में गणतंत्र दिवस से पहले सड़कों पर निकाली गई तिरंगा बाइक रैली, भारत माता की जय हो के घोष के साथ तिरंगा लेकर निकल पड़े हजारों युवा। जम्मू कश्मीर के नरवाल ब्लास्ट की जांच में जुटी एनआईए, धमाके वाली जगह का किया गया मुआयना, कल हुए 2 धमाकों में 9 लोगों हुए थे जख्मी। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस जल्द दाखिल कर सकती है चार्जशीट, दिल्ली पुलिस ने ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार की है, आफ्ताब पर हत्या का आरोप। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर हो रहा है विचार, सीएम शिंदे बोले शिक्षा विभाग कर रहा अध्ययन, ओपीएस को लेकर हम सकारात्मक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला कमलनाथ पर बड़ा हमला, कमलनाथ को बताया कुंठित और बुजुर्ग नेता। मुंबई में बीते 5 दिनों से हवा की सेहत खराब, कई इलाकों में AQI 300 से ज्यादा दर्ज किया गया, सांस से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, दिल्ली में भी 24 से 26 जनवरी तक हल्की बारिश हो सकती है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में फिर हुई बर्फबारी, मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को हिमाचल के लिए अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव के रोड मैप पर चर्चा की गई। ये 2024 में प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की कवायद का हिस्सा है। मिशन 2024 को लेकर यूपी भाजपा की बड़ी बैठक का आयोजन हुआ जिसमें बूथ स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस बैठक के मंच से सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। वहीं कार्य समिति की बैठक में भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। 2024 में भाजपा प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर फतेह का लक्ष्य साध कर मैदान में डटी है, साथ ही खतौले विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजों को ध्यान में रखकर और भी मेहनत करने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का प्रभाव अगल बगल इतना पड़ेगा कि अब की बार देश की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार। तो भाजपा की 2024 की तैयारी पर समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है और साथ ही भाजपा पर पूर्वांचल को बदनाम करने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासतदानों में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक ओर भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक से विपक्ष पर तीखा हमला बोला तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में कोई देर नहीं लगाई। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय ने भाजपा पर सवालों का जवाब देने से बचने का आरोप लगा दिया। जवाब इनके पास नहीं है, नए मुद्दे कैसे उछाले जाएं, नए सपने कैसे दिखाए जाए, जुमले कैसे गढ़े जाएं, नए जुमले गढ़ने की तलाश में हो रही। सपा ने प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। गड्ढा मुक्ति पिछले बार बोले थे, चलिए हमारे इलाके में मैं बताता हूँ गड्ढा मुक्ति का क्या हाल चाल है, भ्रष्टाचार कैसे, अपराध देख ही रहे हैं, बालिकाओं के साथ जैसे हो रहा है। एक और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार बड़े निवेश का दावा कर रही है तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इसे महज जुमलेबाजी करार दे रही है।
साथ ही सपा ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल को माफिया राज से जोड़कर बदनाम करने की साजिश हो रखी है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है, रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए कहा कि वो रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते, इसमें जाति धर्म को अपमानित करने वाली बातें लिखी हुई हैं। रामचरितमानस के कुछ अंश जितने जाति वर्ग सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानजनक टिप्पणियां की गई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उनमें कई ऐसे दोहे और चौपाइयां हैं जिसमें समाज और वर्ग और जाति विशेष का अपमान होता है, इसीलिए चौपाइयों को रामचरितमानस से बाहर निकाल देना चाहिए। जो जाति और वर्ग विशेष का नाम लेकर के अपमानजनक टिप्पणियों से नवाजा गया है उस पर प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। ये सब विक्षिप्त लोग हैं और इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य 2014 में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं, मामला अदालत में है। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का नया मामला दर्ज हुआ है। मुख्तार अंसारी पर दर्ज हत्या का ये ताजा मामला 22 साल पहले चर्चित उसरी चट्टी कांड में मारे गए मनोज राय नाम के शख्स के पिता शैलेंद्र राय ने दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ अपने बेटे की हत्या का आरोपी बताया है। मुख्तार अंसारी और उसके 4 अन्य साथियों पर जिसकी विवेचना प्रचलित है, साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। उसरी चट्टी कांड में मारे गए मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने मुख्तार अंसारी पर बेटे को घर से ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया है और मुख्तार के गुर्गों ने घर आकर उन्हें धमकाया भी था, जिसके सबूत शैलेंद्र राय ने पुलिस के सामने पेश किए, जिसके बाद मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने मुख्यमंत्री और डीजीपी समेत कई अफसरों से मामला दर्ज करने की गुहार लगाई, जिसके बाद शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत मुख्तार के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उत्तराखंड में निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए ऋषिकेश में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। उत्तराखंड में भाजपा निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश के मुनि क्यूरेती में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा, जिससे निकाय और लोकसभा चुनाव में पार्टी पहाड़ पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का पूरा प्लान आपको समझाते हैं। दरअसल इस बैठक में पार्टी के आगामी 3 महीने के एजेंडे तय होंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कई कार्यक्रम तय हुए थे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन कार्यक्रमों पर मंथन होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में लाया जाएगा, जिससे निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए संगठन मजबूत हो सके। आगामी G20 की बैठक भी ऋषिकेश में ही होनी है। प्रदेश भाजपा संगठन फीडबैक लेकर केंद्रीय संगठन को देगा। उत्तराखंड की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो मुनिकृति में 29 और 30 जनवरी को होना सुनिश्चित हुआ है और इससे बाद हमारी जिलों की कार्य समिति की बैठक भी होनी है। इन तैयारियों से पहाड़ पर निकाय और लोकसभा चुनाव के जंग में भाजपा विरोधियों को चित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून में भाजपा IT सेल की बैठक हुई है। इस बैठक में भी निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर IT सेल की बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रदेश भर के IT सेल की पदाधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि IT सेल की बैठक में जिन्हें आगामी चुनावों में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए किस तरह से काम करना है, इसको लेकर जानकारी साझा की गई। बैठक में जिन मुद्दों पर मंथन हुआ वो भी आपको समझा देते हैं। IT सेल की बैठक में सोशल मीडिया की नीतियों पर चर्चा, निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन, धामी सरकार 2.0 के 1 साल के कार्यकाल पर चर्चा, 1 साल पूरे होने पर सरकार के कई कार्यक्रम संभव, मार्च में धामी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हो रहे हैं, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर मंथन। जो टेक्निकल लोग हैं उनके साथ भी चर्चा रहती है और नॉन टेक्निकल लोग हैं जो हमारे साथ और वॉलंटियर्स हैं उनको लेके हम प्लानिंग करते रहते हैं। इस साल होने वाले निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव पर भाजपा की नजर है। पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष को हावी होने का कोई मौका नहीं देना चाहती है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना भाजपा की बड़ी रणनीति माना जा रहा है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने जोशीमठ आपदा के मामले पर धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव जोशीमठ के मामले पर राज्य सरकार पर जमकर बरसे और सरकार पर मुनाफा कमाने के चक्कर में पर्यावरण से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि लंबे वक्त से वैज्ञानिकों ने इस बात के संकेत दिए थे कि पहाड़ पर चल रही परियोजनाओं से संकट पैदा हो सकता है, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के और जिस तरह का एनवायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी और सीएम धामी का नाम लेकर तीखा हमला बोला और उत्तराखंड सरकार पर केदारनाथ आपदा से सीख नहीं लेने का आरोप लगाया। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और 2024 में यूपी में सपा की बड़ी जीत का दावा किया। जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर जहां अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे को भी हवा दी थी। छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध पंडित जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने जनेश्वर पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही बीजेपी पर दलितों और पिछड़ों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 3 महीने में जाति जनगणना भी कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौकों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। अखिलेश ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि नीतीश कुमार ने देश के नेताओं को एक साथ लाने का काम किया। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। अखिलेश यादव ने भाजपा के 50 साल तक राज करने वाले बयान पर तंज कसा। जो ये कहती हो पार्टी कि हम वर्षों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। जोशीमठ में आई आपदा ने पूरे प्रदेश को चिंता में डाल दिया है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की 2018 में तैयार एक रिपोर्ट हैरान और परेशान करने वाली है। जोशीमठ के घरों में आई दरारें लोगों को डरा रही है, लेकिन इसके इतर 2018 में तैयार की गई आपदा प्रबंधन विभाग की एक रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल 2016 में वर्ल्ड बैंक की मदद से किया गया सर्वे, आपदा प्रबंधन विभाग ने 2018 में रिपोर्ट तैयार की। 5 नदियों की घाटियों का रिस्क असेसमेंट किया गया था। प्रदेश में कुल 6,536 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए। धार्मिक क्षेत्रों और हिल स्टेशनों पर हाई रिस्क लैंडस्लाइड जोन का पता चला। 2 से 4 हजार मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 60% तक भूस्खलन का खतरा। उत्तराखंड में 1,093 गांव हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए। प्रदेश में 2 लाख बिल्डिंग खतरे की जद में होने का दावा। उत्तरकाशी के कई हाईवे पर लैंडस्लाइड जोन। टिहरी के चारधाम मार्ग क्षेत्र में भी बड़े लैंडस्लाइड जोन। कुमाऊं में चंपावत और अल्मोरा में खतरनाक लैंडस्लाइड जोन का दावा। 6,536 लैंडस्लाइड पिन पॉइंट किए गए पूरे प्रदेश में, जहां पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, वो भी रहे और फ्यूचर में भी होने की संभावना है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तराखंड में बढ़ते लैंडस्लाइड जोन किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर राजभर का बयान सामने आया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का बड़ा हमला सामने आया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश ने क्या किया? पीएम मोदी या सीएम योगी से इस मुद्दे पर बात की? अखिलेश सीएम थे तो क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना? ये हमला किया गया है ओपी राजभर की तरफ से। क्या जातिवाद जनगणना को लेकर के प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में जो जिनके हक की बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए कभी मुख्यमंत्री से मिले? क्या कभी उस बात को लेकर प्रधानमंत्री से मिले कि भाई इस चीज़ की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री नहीं करा रहे हैं, इस बात को तो कहने का पावर है ना। एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कहना चाहिए। और कहने से पहले मैं फिर कह रहा हूँ, 5 साल मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं करा लिया? आज जिस तरह नीतीश जी की प्रशंसा कर रहे हैं तो हम भी इनकी प्रशंसा करते, प्रदेश प्रशंसा करता। 20 जनवरी को खतौली में रालोद विधायक मदन भैया और आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद सियासत गर्मा गई है।
जिसके बाद भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने रालोद, सपा और आसपा के जुबानी हमले का जवाब दिया है। नंद किशोर गुर्जर ने मदन भैया और चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर ही दोनों पर निशाना साधा है और साफ साफ मुजफ्फरनगर दंगे कराने की साजिश का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा जो सपा नेता ने बताया उसकी ऑडियो मैंने दी थी मीडिया को, उत्तर प्रदेश के अंदर एक पूरी प्लानिंग के तहत दंगा कराने की साजिश है। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीधा आरोप लगाया कि विरोधी चाहते हैं कि समाज में झगड़े हो जाएं और मुजफ्फरनगर में दंगा करा दिया जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस कप्तान पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। दरअसल शुक्रवार को खतौली में विधायक मदन भैया और आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर खतौली के एक स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहां कार्यक्रम के दौरान असामाजिक तत्वों ने आसपा कार्यकर्ताओं की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। तब एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने तोड़फोड़ की पूरी घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया था। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रखा है घड़ी घड़ी घमासान। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर विवाद लगातार हो रखा है, लेकिन विवाद को लेकर खींचतान के बीच खेल मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। जांच के फैसले और कमेटी के गठन के ऐलान के बाद खेल मंत्रालय ने शनिवार को बड़े फैसले लिए, जिसमें साफ साफ कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह 4 हफ्ते तक मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे और 4 हफ्ते तक WFI की कोई बैठक या कोई कार्यक्रम नहीं होगा। साथ ही खेल मंत्रालय ने गोंडा में हो रही नेशनल चैंपियनशिप को भी रद्द कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ की पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम थे उसको भी निरस्त कर दिया गया। कुश्ती महासंघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने शनिवार को ब्रजभूषण सिंह का समर्थन किया था और ब्रजभूषण सिंह पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया था। खेल मंत्रालय ने विनोद तोमर पर अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई की। खेल मंत्रालय की इस कार्रवाई का असर शनिवार को ही देखने को मिल गया था, जब अपनी ही बुलाई महफिल में ब्रजभूषण सिंह ने कुछ खास बोलने से इनकार कर दिया था। अपने दबंग और मुखर स्वभाव के लिए मशहूर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती तो देखी, लेकिन पहलवानों का हौसला बढ़ाने या उनकी दावपेच पर शाबाशी देने से खुद को दूर ही रखा। 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का गौरव पूरा देश देखेगा। गणतंत्र दिवस की ये झांकियां आपका अपना चैनल एबीपी गंगा आपको 4 दिन पहले दिखाने जा रहा है। गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली सभी तेज झांकियां तैयार हो गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी मन मोह लेने वाली है। इस बार भी झांकी अयोध्या की थीम पर आधारित है, जिसमें सरयू किनारे होने वाले दीपोत्सव के उल्लास को प्रमुखता से दर्शाया गया है। झांसी के सामने श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और सीता जी की प्रतिमा पुष्पक विमान पर दिखाई गई है। झांकी में राम की पैड़ी सरयू घाट के पिछले 6 साल से बनाए जा रहे दीपोत्सव को दर्शाया गया है। झांकी के दोनों तरफ साइड में उनके जहां पे दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो क्योंकि थीम हमारी अयोध्या दीपोत्सव है। तो उत्तराखंड की झांकी का थीम है मानसखंड, जो 3 भाग में बांटी गई है। झांकी के सामने कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमते हुए बारासिंगा, कस्तूरी मृत और मोर को दिखाया गया है। झांकी के अंतिम भाग में मानसखंड के 125 छोटे बड़े मंदिरों के समूह जागेश्वर धाम को दिखाया गया है, जो पूरे झांकी में उत्तराखंड की कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर आपको 26 जनवरी को देखने को मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।